सब्सक्राइब कीजिए शिवम सर मैथ्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग चार कामें बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का विवरण किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का विवरण किया गया है भारतीय संविधान के भाग चार का में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था, तो इसको 1976 में अंतः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं, तो वे कौन से प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे, तो ये प्रदान किए गए थे संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भाग 4 ए अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं, तो भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन में माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। मतलब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, तो ये बताया गया है 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य संवर्ती सूची में नहीं किया गया है, किसमें निहित होते हैं, तो ये निहित होते हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्य रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, इसको रखा गया तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। देखो, वोट डालना क्या है, राजनीतिक अधिकार है हमारा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, तो ये सभी नागरिकों के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।